हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज मैं आपके लिए मलाई केक की रेसिपी लेके आई हूँ। इसको मैंने माइक्रोवेव में बनाया है, तो ये जो केक है ये तो 5 मिनट में बनके तैयार हो जाता है, बस इसकी मलाई बनाने में हमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। ये जो केक है ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बना है, ये मैं आपको दिखा भी देती हूँ। तो चलिए फिर अब देर नहीं करते हैं और फटाफट से इस केक की हम रेसिपी देख लेते हैं। हमारे सारे वीडियोस देखने के लिए ये सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करें और साथ ही साथ ये बेल आइकन को दबाएं ताकि जो भी नया वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत आ जाए। अब हम स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले तो यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई ली है, उसमें हम डालेंगे दूध। यहाँ पे मैं 1/2 लीटर दूध ले रही हूँ, ठीक है। ये नॉर्मल वाला दूध है, कोई वो रेड पैकेट वाला या बहुत ज़्यादा गाढ़ा वाला मैंने दूध नहीं लिया है, नॉर्मल वाला दूध लिया है यहाँ पर मैंने, ठीक है। अब हाई फ्लेम में इस दूध में हम एक बॉईल आने देंगे और जब इस दूध में एक बॉईल आ जाएगा, ये हमने हाई फ्लेम पे ही किया है, तो जब एक बॉईल आ जाएगा उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, गैस का फ्लेम जो है उसको लो कर देंगे। यहाँ पे मैंने नॉनस्टिक कढ़ाई यूज़ की है, आपके पास जो भी हो आप वो वाली यूज़ करें। इसके बाद 2 बड़े चम्मच इसमें हम डालेंगे मिल्क पाउडर के, ठीक है। ये अगर आपके पास हो तो डाल लें, अगर ये आपके पास नहीं हो तो इसको आप स्किप भी कर सकते हैं। इसके बाद इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा इलायची पाउडर, ये 1/4 चम्मच है, बिल्कुल ज़रा सा ही है, तो इलायची पाउडर डालेंगे। उसके बाद इसमें डालेंगे चीनी हम, तो चीनी यहाँ पे मैं 2 बड़े चम्मच डाल रही हूँ। आप अपने स्वाद के अनुसार इसको कम मीठा या ज़्यादा मीठा कर सकते हैं, ठीक है। चीनी डालने के बाद अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा केसर, केसर के धागे भी ऑप्शनल हैं, अगर हों तो ज़रूर डालें, अगर ना हो तो इसको भी आप स्किप कर सकते हैं। अब एक बार इसको इस तरीके से हम चला लेंगे और उसके बाद इसको मीडियम टू लो फ्लेम में हम पकने देंगे, जब तक कि ये जो दूध की क्वांटिटी है वो आधी ना हो जाए। तो जितना अभी हमने दूध रखा है, जब इससे आधा हो जाएगा तब हमें गैस बंद करनी है, ठीक है। तो अब इसको मैं मीडियम टू लो फ्लेम में रख दूंगी और इसी तरीके से दूध को कढ़ने दूंगी, बस बीच बीच में आप इसको चलाते रहिएगा। अब जब तक कि हमारा ये दूध कढ़ रहा है तब तक हम केक बनाने की तैयारी करते हैं, ठीक है। तो केक बनाने के लिए हमें एक इस तरीके का कोई भी बड़ा बाउल ले लेना है, उसके बाद इसमें हमें डालना है तेल। तो यहाँ पे मैं रिफाइंड ऑयल का यूज़ कर रही हूँ, ये मैं 3/4 कप यानी कि 3/4 कप यहाँ पे रिफाइंड ऑयल डाल रही हूँ, और जितना ऑयल डाल रही हूँ उतना ही यहाँ पर मैं दही डालूँगी। इसके बाद इसमें मैं चीनी डाल रही हूँ, तो चीनी यहाँ पे मैंने 1/2 कप ली है। यहाँ पे मैं चीनी ले रही हूँ साबुत, आप इसकी जगह पे इसका पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। चीनी थोड़ी अपने हिसाब से कम या ज़्यादा भी आप कर सकते हैं अपने टेस्ट के हिसाब से। अब इन तीनों चीज़ों को हम इस तरीके से मिक्स कर लेंगे, कोई भी एक विस्कर यूज़ करें और इस तरीके से इसको फेंट लें। चीनी अगर तो आपके पास मोटे दाने वाली है तो फिर वो आप ऐसे ही मत यूज़ करिएगा, फिर वो आप पीस के उसका पाउडर बना के ही यूज़ करिएगा। अब ये तीनों चीज़ें मिक्स करने के बाद फिर एक इस तरीके से हम छन्नी लेंगे, उसमें डालेंगे 1 कप मैदा। 1 कप मैदा डालने के बाद उसमें हम डालेंगे जो खाने वाला सोडा होता है वो 1/4 चम्मच, ठीक है। और उसके बाद फिर इसमें हम डालेंगे बेकिंग पाउडर वो 1 चम्मच। अब ये तीनों चीज़ों को हम अच्छी तरीके से छान लेंगे। और छानने के बाद कोई भी एक इस तरीके का स्पैचुला लेंगे और इन सारी चीज़ों को हम मिक्स कर लेंगे। पहले तो जो इतनी चीज़ें डाली हैं उन्हीं को हम मिक्स करेंगे, उसके बाद इसमें हम दूध और मलाई भी ऐड करेंगे, बट पहले इनको थोड़ा सा मिक्स करेंगे और कोई भी चीज़ जो ऐड करनी वो उसके बाद करेंगे। तो अब यहाँ पे मैं मलाई ले रही हूँ, मलाई मैं यहाँ पे 1/2 कप यूज़ कर रही हूँ। मैंने जो मलाई ली है वो थोड़ी सी गाढ़ी है, अगर आपकी मलाई थोड़ी सी पतली होगी तो यहाँ पे दूध आपको बहुत कम ही यूज़ करना पड़ेगा या फिर शायद ना भी करना पड़े। तो ये आप अपने बैटर की कंसिस्टेंसी देख लीजिएगा, क्योंकि केक में बैटर की कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। तो मैंने मलाई डाल के इसको मिक्स किया है, अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे ताकि कोई भी लम्ब्स ना रह जाए।
और मिक्स करने के बाद फिर अगर हमें लगेगा कि बैटर हमारा थोड़ा सा गाढ़ा है तो फिर इसमें हम थोड़ा सा दूध डालेंगे। दूध भी एक साथ नहीं डाल दीजिएगा, थोड़ा थोड़ा करके आप इसमें दूध डालिएगा, ठीक है। तो दूध डाल के इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे और जो बैटर की कंसिस्टेंसी है वो कुछ इस तरीके की होनी चाहिए। ये देखिए कुछ इस तरीके से बैटर की कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, इससे पतला नहीं होना चाहिए ना ही इससे गाढ़ा होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके का आपका बैटर होना चाहिए। अब जब हमारा बैटर बन गया है, बन के बैटर भी हमारा एकदम तैयार है, तो अब हमें क्या करना है, अब इस तरीके का हम कोई भी माइक्रोवेव सेफ बर्तन ले लेंगे। आपके पास ऐसा हो तो ऐसा लें, नहीं तो आप कोई भी प्लास्टिक का डिब्बा भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें सबसे पहले तो नीचे अब ऑयल लगा लेंगे हम, ऑयल से इसको चारों तरफ और नीचे से हम ग्रीस कर लेंगे। ऑयल लगाने के बाद फिर इसमें जो हमने बैटर बनाया है वो डाल देंगे सारा का सारा। आप इसको किसी भी प्लास्टिक के डब्बे में भी बना सकते हैं और वो कोई भी शेप का हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, कैसा भी डब्बा हो आप उसमें ये माइक्रोवेव में आराम से बना सकते हैं। ऊपर से इसको हम थोड़ा सा इवन कर लेंगे, इस तरीके से बैटर को फैला दें और एक जैसा कर लें, ठीक है। और इसके बाद फिर अब इसको चलेंगे हम बेक करने माइक्रोवेव में। तो यहाँ पे माइक्रोवेव में मैंने इसको रख दिया है और मोड यहाँ पे मैंने माइक्रोवेव ही सेट किया हुआ है। इसमें मैं इसको 5 मिनट या 5.5 मिनट के लिए लगा दूँगी, ठीक है। वैसे तो 5 मिनट में भी ये आराम से पक जाता है, तो आप 5 मिनट या 5.5 मिनट इसका टाइम इसमें सेट कर दें और उसके बाद इसको अच्छी तरीके से पकने दें। तो यहाँ पे अब बस मेरा केक बनने ही वाला है, कुछ ही सेकंड रह गए हैं। तो बस अब एक बार हम क्या करेंगे, इसको ओपन करके कोई भी टूथपिक या फिर इस तरीके के चाकू से इसको चेक कर लें कि ये अच्छे से पक तो गया है, ठीक है। तो जब ये अच्छे से पक जाएगा तो बस इसको हम बाहर निकाल लेंगे, ठीक है। अब इसको बाहर निकाल लेते हैं और देख लेते हैं कि जो हम दूध गाढ़ा कर रहे थे वो हुआ कि नहीं। तो ये देखिए यहाँ पे जो दूध मैं गाढ़ा कर रही थी वो अच्छी तरीके से हो गया है, जितनी मैंने इसकी क्वांटिटी ली थी ये उससे हाफ हो गया है। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि इसमें कितनी अच्छी मलाई भी आई है। तो बस अब हम क्या करेंगे, अब हम इसकी भी गैस ऑफ कर देंगे और इसको हम नॉर्मल रूम टेम्परेचर में आने देंगे। एकदम गर्म गर्म भी केक के ऊपर नहीं डालेंगे, इसको थोड़ा सा नॉर्मल होने देंगे हम। जो केक बनाया था हमने उसको हमें क्या करना है, उसको ना हमें कोई भी फोक या कोई भी टूथपिक से इस तरीके से प्रिक कर देना है, ठीक है। थोड़ी ज़्यादा जगह इसको प्रिक करिएगा ताकि अच्छे से जो हमने दूध गाढ़ा किया है उसको ये सोख ले। तो इसको अच्छी तरीके से हम ऐसे प्रिक कर देंगे और प्रिक करने के बाद फिर जो हमने वो रबड़ी बनाई है, जो दूध गाढ़ा किया है, उसको हम इस तरीके से इसके ऊपर डाल देंगे। सारा का सारा दूध इसी के ऊपर हम अभी नहीं डाल देंगे, जितना हमारे पास दूध है उसका हाफ इसमें हम डालेंगे और हाफ को जब भी ये हमें सर्व करनी होगी तब हम यूज़ करेंगे, ठीक है। तो हाफ दूध पहले आप इसमें डाल दीजिएगा, थोड़ा सा इसको ऊपर से ऐसे प्रेस भी आप कर सकते हैं। दूध डालने के बाद फिर इसमें हम ड्राई फ्रूट्स डालना स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर मैंने बादाम लिया है और पिस्ता लिया है, इसको इस तरीके से चॉप करके इसके ऊपर डाल दें, ये बहुत अच्छा लगता है। अब थोड़ी देर के लिए इसको हम फ्रिज में रख देंगे ताकि ये थोड़ा सा सेट हो जाए, और जब ये थोड़ा सा सेट हो जाएगा तो फिर उसके बाद इसको हम आराम से कट कर सकते हैं, ठीक है। तो आप इसके कैसे भी पीसेस रख सकते हैं, छोटे बड़े जैसे भी आपको अच्छे लगते हों। तो बड़े आराम से इसको हम इस तरीके से कट कर लेंगे और बस ये हमारा बढ़िया सा मलाई केक बनके एकदम तैयार है। ये देखिए कितना ज़्यादा बढ़िया लग रहा है, इसको हम किसी भी सर्विंग ट्रे में ऐसे रख सकते हैं। जब आप इसको सर्व कर रहे हो
तब आप इसके ऊपर से फिर जो हमने थोड़ी सी मलाई रखी है, जो दूध गाढ़ा जो हमने किया था वो रखा है, वो इसके ऊपर से डालेंगे, ठीक है, इस तरीके से। तो ये जो केक है ये बहुत ही ज़्यादा बढ़िया और एकदम सॉफ्ट बना है। तो एक बार आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा, अगर अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स, अपने फैमिली, सभी के साथ इसको शेयर करिएगा। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.